सभी भाई को राम राम। थारा भाई मोहित कल्याण और भाई रवि चौधरी, भाई जो रावण डीजे के साथ और हमारे साथ जो भी मामला हुआ रात युग और पीछे भी हुआ था और गलत तरीके से हमारे खिलाफ वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही, भाई रवि चौधरी बताओगा अपने हिसाब से कि मामला क्या हुआ, और जो कुछ मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। भाई बताओ सभी भाइयों को जय श्री राम जय महाकाल। थोड़ा नजदीक लिया भाई। तो भैया मामला ये था रात का, आप सबने देख लिया होगा इसी मोहित की लाइव में। मामला ये था कि हम जो मुजफ्फरनगर जब पहुंचे तो हमारा विचार शुरू से ये था, जब कावड़ लेके हम मेरठ से चले थे हरिद्वार के लिए, कि कावड़ जो है मुजफ्फरनगर के अंदर को जाएगी और टीचर हमारा भाग हो जाएगा। तो हमने अपनी कावड़ लगवा दी अपनी रामपुर किराए पर। हम टीचर जैसे ही बाहरी साइड लेके चले तो वहाँ भी हुटिंगबाजी शुरू हो गई। हुटिंगबाजी का पता ही चला हमें, क्योंकि हमारे टीचर पे गाने बज रहे थे। कोई बात नहीं, थोड़ा हम आगे चले तो टीचर में गाने रुक गए, माइकिंग कर रहा था क्योंकि जाम इतना हो रहा था। तो व्यवस्था बनवा रहे थे कि सभी बोले व्यवस्था बनवाए। तो जब पता चला वहाँ पे हुटिंगबाजी हो रही है, हुटिंगबाजी में झंडे लहराए जा रहे और किसी एक डीजे वाले का नाम लिया जा रहा था, उसके साथ साथ एक डीजे वाले का और लिया जा रहा था। सब आप जान सकते हो कौन है, एक ही समाज के लोग थे सब, जो आप वीडियो में देख सकते हो। सर पुलिस ने पकड़े भी है, कुछ लोगों की पिटाई हुई है बढ़िया करके, कुछ लोग मोटरसाइकिल छोड़ के भागे। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है सबके साथ, अब आप एक बात बताओ, हम जाट बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हमारा डीजे जो है गुज्जर बिरादरी से बिलोंग करता है, हमारी जो लाइटिंग है वो जाट बिरादरी से बिलोंग करता है, क्या हमारे साथ 36 बिरादरी में हम एक ही समाज के हैं? एक समाज जो है झंडे वाली पार्टी और झंडावाद जो ये घूम रहे हैं रोड पे, इनका क्या करा जाए बताओ समाधान। मैं सभी से अपने भाइयों से सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम फिलहाल मुजफ्फरनगर बाईपास पे आज रात को शाम को यहाँ से चले गए और मेरठ तक सभी भाई हमारे जितने भी रास्ते में गाँव हमारा समाज 36 बिरादरी सभी रोड पर आए और हमें सपोर्ट करे खुल के। हमारे साथ बहुत लोग कुछ गलत करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि सभी समाज के, हमारे समाज को चाहे हमारे गुज्जर समाज को, कोई भी समाज 36 बिरादरी जाटा समाज कोई भी, सभी 36 बिरादरी रोड पे आके हमारा जो है साथ दे और हमारे साथ रहे। ये एक झंडेवाद वाले ये जो भी है इन्होंने बहुत गलत चीज करी हुई है, हमारे साथ नहीं सभी के साथ ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ एक डीजे चल रहा था, उनके साथ भी ऐसे ही करा हो, तो एक छोटा डीजे था और उसमें झागिया चल रही थी, अभी वो डीजे बाईपास पे रुका हुआ है पार करके थोड़ा। तो आप बताओ ऐसे कैसे काम थे? ये मेला जो है भोले बाबा का मेला है, ये किसी जात बिरादरी का मेला नहीं, किसी झंडे का मेला नहीं है। झंडे की बात हमने अपने डीजे पे ना तो तिरंगा लगा रखा है ना कि झंडा लगा रखा, हम भी तो लगा सकते हैं, हम लोक दल का झंडा लगा देंगे जब क्या कर लोगे, हम किसान यूनियन का झंडा लगा देंगे जब क्या कर लोगे, कोई सा तुम में से हिम्मत भी नहीं है, तुम झंडे तो छोड़ो तुम बीच में नहीं आ सकते। लेकिन ये चीज़ें हम नहीं करना चाहते, मेला भोले बाबा का, हम इस मेले को मेले की तरह चलना चाहते हैं, सभी का मेला ये हमारा एक का नहीं है या किसी एक झंडे वालों का नहीं है, एक बिरादरी का नहीं है। तो प्लीज़ ये करके बिल्कुल ना करें, और सभी समाज से हमारा अनुरोध है, हमारा मोहित भाई का जो डीजे रावण डीजे वो गुज्जर समाज से बिलोंग करते हैं, हम जो बुक करके ला रहे हैं हम जाट समाज से बिलोंग करते हैं, हमेशा जो शिवम वर्मा सुनार दादी से बिलोंग करता है, और जो हमारे साथ जो लाइटिंग जिसकी डीजे पे लगी हुई है वो हमारा जाटा समाज से बिलोंग करता है। क्या आप सोच सकते हो कि किसका क्या नुकसान हो जाए? अभी तक ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारा कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे हो जाए जाने अनजाने में घी से या हमारी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन हो जाए तो ये चीज़ें आप खुद देखो। और मैं सभी से अपील करता हूँ यहाँ से लेकर मेरठ तक सभी 36 बिरादरी से कि रोड पर आए और हमें सपोर्ट करें। तो भाइयों मैं बताऊंगा आपको सारा मामला, रवि भाई ने तो अपने तरीके से बता दिया। भाई साहब इस तरीके से रात रामपुर किराए पर पथराव हुई है कि बेजाक कैडे तरीके से, अब बहुत कल लगे खुद हुआ मेरा खुद लगा बैक साइड, मैं भी इस पाग पे बैठा था, मैं तुरंत नीचे उतर गया। जैसे ही रवि भाई ने पब्लिक को इतना ज्यादा वो करा कि जिससे कि माहौल ठीक रहे, उनकी इच्छा अनुसार गाने भी बजाए, फिर भी कुछ बदलाव नहीं आया, बराबर कावड़ के आगे 500 के करीब लड़के रुकते रहे और गलत तरीके से होटिंग बाजी कमेंट बाजी करते रहे, एक मतलब कि बहुत कड़े तरीके से हमने इतना अच्छा माहौल बना कर रखा, फिर भी कोशिश रही कि सुधरना रहे कुछ दिक्कत ना हो। लास्ट में कीचड़ जहां को चल रहे थे कीचड़ की चप्पल एक कीचड़ हाथ में ले लेके हमारे साउंड पे फेंका गया, पत्थर ईंट बजरी रेत बगाया गया। मैं लाइव चला रखी थी 53 मिनट की लाइव पड़ी मेरी, इस भाई ने ना देखी होगा देख ले पूरी लाइव में, अब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बहुत लड़के ऐसे हैं, अगर आप उनका चेहरा पहचान लो तो पुलिस प्रशासन को दो कि किस तरीके से गंदे कमेंट बाजी इशारे करे और मतलब किस तरीके से हमारी यात्रा खराब करने की कोशिश करी गई। और दोस्तों मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ,
जब सार्जन डीजे के साथ में वहां पे मंगलोर में कंपटीशन हो रहा था, तो उस टाइम पे भी रवि भाई ने भी ऐसे का इशारा किया था और मैं भी कर रहा था कि अच्छा बज रहा, ठीक है, वार्ता हम स्वागत कर रहे, क्योंकि ये ऐसा इशारा करना जब सामने वाले पब्लिक गलत इशारे कर रही थी तो उन्हें ऐसे कर रहे थे कि बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा बज रहा। लेकिन वहां पे किसी दूसरे के तरीके से और गलत तरीके से भैया वहां भी बहुत गलत हो या, और वहां पे भी हमारी कमेटी द्वारा या कमेटी के किसी बंदे द्वारा कोई भी ऐसा माहौल नहीं कर गया, लेकिन गलत तरीके से भैया हमें टारगेट किया जा रहा। और भाई मैंने भी समाज से, भाई मैं तो अपने समाज को कहूंगा भाई, सबसे पहले भाई आपको आगे लिखाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है इस टाइम, क्योंकि हमारे साउंड पर तिरपाल ढकवा दी। अगर आज आप लोग सपोर्ट में नहीं आए तो भाई फिर कुछ नहीं होगा। और मैं खुद इस वीडियो में एक बात और कहना चाहूंगा, शायद रवि भाई भी कहेंगे इस बारे में भी, क्योंकि और डीजे वाले अगर अपने दिमाग और माइंड से इस तरीके से मतलब धकेल रहे इस मामले को, कि वो मामला जिसमें कि आप देख सकते हो हमें एक अच्छे अच्छे गाने बजा के, और रवि भाई भी जय श्री राम कर रहे, हर हर महादेव, और सामने वाले तरफ है आप समझ रहे हो केवल एक ही हो, ऐसे ही समझ रहे हो इस तरीके से गंदे गंदे सारे कावड़ पे मेरी वीडियो में पड़ा प्रूफ के दो, प्रूफ पड़ी पूरी की पूरी। भाई आप लोग सपोर्ट करो, इस टाइम हम मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे से करीब 5-6 किलोमीटर आगे है और आज शाम को यहाँ से निकल गए। सभी भाई रास्ते में सपोर्ट करें, क्योंकि हम गलत नहीं है, हमें लोग टारगेट कर रहे गलत तरीके से। तो मैं यही अपील करूंगा भाई, बहुत भाई कहेंगे कि यूट्यूबर है, यूट्यूबर से पहले भाई भाई हूँ। और भाई देखा बहुत तकलीफ हुई यार, मेरा भाई के लगा उनके बीच में किस तरीके से भाई साहब आप